हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक तो करवा चौथ निकल चुका होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना करवा चौथ का व्लॉग शुरू कर दूं। तो ये वीडियो है करवा चौथ से एक दिन पहले की। तो इस दिन क्या होता है, हर साल हमारे ऑफिस में मेहंदी का जो कार्यक्रम होता है वो आयोजित होता है ऑफिस वालों की तरफ से। तो मैंने तो हर साल ऑफिस में ही मेहंदी लगवाई है, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये देखिए, काफ़ी इंतज़ार के बाद मेरी भी बारी आ जाती है और मैं भी मेहंदी लगवाना शुरू कर देती हूँ। तो इस टेंशन से तो हम लोग एकदम फ्री हो जाते हैं कि बाहर जाना पड़ेगा मेहंदी लगवाने, क्योंकि ऑफिस में ही ये काम हो जाता है, ऑफिस का काम करते करते। तो ये देख लीजिए आप, शिल्पा की भी मेहंदी जो कि काफ़ी सुंदर लग रही थी और कलर भी बहुत ही सुंदर आया था। शाम को ऑफिस से जल्दी निकल के मैं चली गई थी ऑफिस के पास वाले मॉल में थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। मैंने सोचा क्यों ना हस्बैंड की तरफ से अपने लिए गिफ्ट ले लेती हूँ करवा चौथ का, क्योंकि करवा चौथ पे तो गिफ्ट लेना बनता है। तो मैं अपनी पसंद से एक सूट लेके आ गई, जो कि मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दिखाऊंगी। आगे जब भी पहनूंगी तो मैं वो सूट आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो क्योंकि मैं अकेली थी तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई अंदर। और ये देखिए मॉल वगैरह में कितनी रौनक है अभी से फेस्टिवल की। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और मेरा गला ना बिल्कुल ख़राब हो रखा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो रखा है। आज है करवा चौथ का दिन और आप सबको हैप्पी करवा चौथ मेरी तरफ से। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ अभी ऑफिस जाने के लिए। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल सा सूट पहना है। तो जब मैं आऊँगी शाम को फिर मैं रेडी होंगी अच्छे से। और ये मैंने बैंगल्स पहन लिए थोड़ी सी, और ये मेहंदी लगाई है, कल ऑफिस में ही लगाई थी ये मेहंदी। तो चलिए अब रेडी होते हैं। हैप्पी करवा चौथ। ये देखो शिल्पा आज कितने अच्छे से रेडी हो गई है। आप भी तो हुए हो। हाँ, मैं अपने आप को तो मैंने सुबह दिखा दिया था। ये है मेरा सूट और अभी हम लोग बैठे हुए अपने ऑफिस में, क्योंकि हमें ना आज छुट्टी नहीं मिली है ना वर्क फ्रॉम होम मिला है। तो हम लोग आज ऑफिस में बैठे हुए पहली बार, मतलब शादी के बाद जो भी मेरा करवा चौथ था, मैं पहली बार ऑफिस आ रही हूँ। सेम ना, आपका भी सेम? बट ठीक है, इतना भी बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। तैयार व्यार होके आए, एक दूसरे को देख रहे हैं, फोटोज़ क्लिक कराएंगे हम बहुत सारी। और आज व्लॉग भी बनेगा बहुत अच्छा वाला। तो आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर देना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सुबह से लेकर रात तक का अपना करवा चौथ व्लॉग। देख सकते हो आप लोग, काफ़ी लोग बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बट आज हम उस कैटेगरी से बाहर हैं। हमें सबको खाते हुए देखना है बट हम नहीं खा सकते। अब सीधा रात में जाके आज फास्ट खोलेंगे हम। ऑफिस से निकल के, मतलब मैं हाफ डे पे ऑफिस से निकल गई थी और मैंने ले ली थी कैब, क्योंकि मैंने सोचा आज मैं ना बिल्कुल परेशान नहीं होने वाली हूँ मेट्रो में। और यहाँ पे घर पहुँच के अब मैंने सोचा मैं रात को ना साड़ी पहनूंगी। तो दोपहर की पूजा वगैरह हो गई थी और यहाँ पे अब मैं आप लोगों को साड़ी दिखा रही हूँ जो कि मैं पहनने वाली हूँ, जो कि एकदम पैक्ड थी। तो ये साड़ी मैंने चांदनी चौक से ली थी, काफ़ी पहले ली थी, अभी नहीं ली करवा चौथ के लिए। तो ये ना ऐसे पैक रखी हुई थी, और ब्लाउज़ वगैरह भी इसका स्टिच करा लिया था। तो सोचा कि अभी करवा चौथ पर ये वाली साड़ी पहन लेती हूँ। इसमें पैकिंग में ना इतनी खास नहीं लग रही होगी, बट पहनने के बाद ना बहुत ही सुंदर लग रही थी, इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा था। तो आगे देखिएगा वीडियो में आप कि पहनने के बाद ये साड़ी कैसी लग रही है। ये देखिए इतनी ब्यूटीफुल सी साड़ी है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है, थोड़ी हैवी है, बट ये वाला जो काम है ये मुझे बहुत पसंद है। चलिए आप फटाफट से रेडी होते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। प्यारी सी साड़ी है, इसका जो बॉर्डर है ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन है, तो इसी से मैचिंग में बैंगल्स पहनने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, सो ये है मेरा फाइनल लुक, मैं रेडी हो गई हूँ, साड़ी मैंने पहन ली है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर है। ये इयर रिंग्स तो मैंने जो दिन में पहनी थी वही पहनी है, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी और मैच भी हो रही है।
ये नेक पीस मैंने दूसरा पहन लिया है और बैंगल्स पहन लिए हैं मैचिंग, जो मैं बैंगल्स लेके आई थी ब्लू वाली, और पिंक वाली तो थी मेरे पास ऑलरेडी। बस अब रेडी हो चुके हैं, अब चांद निकलने का इंतज़ार है, उसके बाद पूजा करेंगे, फिर हमारा व्रत हो जाएगा पूरा। अभी टाइम हो चुका था करीब 8:15 से 8:30 के बीच का, और न्यूज़ में तो आ रहा था कि चांद निकल चुका है, तो मैं छत पे चली गई थी चांद का वेट करने के लिए। बट यहाँ से दिखा नहीं चांद, और यहाँ पे देखिए आप जो लोग छत पे वेट कर रहे थे ना, वो ऐसे लैंप जला जला के हवा में उड़ा रहे थे। इस लैंप को क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। फिर हमारी छत से तो चांद दिखा नहीं, फिर हम दूसरी बिल्डिंग में चले गए थे, तो वहाँ वो थोड़ी ऊंची बिल्डिंग है, तो वहाँ जाके हमने पूजा की, यहाँ से हमें चांद एकदम दिख गया था। ये देखिए सामने कितना छोटा सा चांद दिख रहा है, तो आज के दिन ना चांद दिखना बहुत मुश्किल होता है। पूजा हमारी हो गई थी, अब हम वापस जा रहे हैं घर, और वहाँ पे क्योंकि साथ में कोई था नहीं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो यही मैंने थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था आते जाते हुए। तो काफ़ी अच्छी पूजा हो गई थी हमारी। हेलो एवरीवन, सो चांद देख लिया मैंने और पूजा भी कर ली है, और अब बस मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो फटाफट से मैं अपनी ये साड़ी चेंज करती हूँ, फिर मैं खाना खाऊंगी। आई होप आप लोगों का भी करवा चौथ बहुत अच्छा रहा होगा, काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा। तो इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।